सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर का उपयोग कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप काइन मास्टर का यूज कैसे कर सकते हो, जी सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जो अपना यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन उनको वीडियो को एडिट करना बिल्कुल नहीं आता कि कैसे वो अपनी वीडियो को एडिट करें। क्योंकि दोस्तों, काइन मास्टर ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों जिसके द्वारा हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो नए यूट्यूबर होते हैं वो काइन मास्टर का उपयोग करते हैं, तो काइन मास्टर का यूज़ कैसे किया जाता है जो बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं आता, तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि काइन मास्टर का उपयोग कैसे करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको काइन मास्टर के सारे फीचर के बारे में बताऊँगा, जितने भी फीचर होते हैं काइन मास्टर के उन सब के बारे में आपको एक करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, काइन मास्टर जितने भी फीचर हैं उन सब के बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो इसका पहला पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों मैं जितना हो सकेगा उतना आपको बताऊँगा और इसके आगे का जो रह जाएगा दोस्तों वो आपको मैं अगले और पार्ट में बताऊँगा जो पार्ट इसके आगे बनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्योंकि दोस्तों, आपने जरा सी वीडियो को स्किप किया तो आप कुछ पार्ट मिस कर सकते हो जिससे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि आप काइन मास्टर का उपयोग कैसे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, स्टार्टिंग से ही आप सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप काइन मास्टर कैसे चला सकते हो, कैसे आप उसमें अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये काइन मास्टर का पहला पार्ट है। इसमें जितना हो सकेगा मैं आपको उतना बताऊँगा और पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। इसका बाकी जो रह जाएगा दोस्तों वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि आप कैसे काइन मास्टर को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो ना तो आपको समझ में आएगा और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप देखना ही पसंद नहीं करोगे। तो चलिए, मैं चलता हूँ मेन टॉपिक पर और आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में काइन मास्टर प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों आपको बॉर्डर मार्क नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे पास इसका प्रो वर्जन है। तो अगर आपको ये वर्जन चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, अब वहाँ से जाकर डायरेक्ट से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा कि काइन मास्टर को कैसे यूज़ करते हैं। जिन लोगों को काइन मास्टर का बिल्कुल नहीं पता, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो लोग काइन मास्टर को यूज़ करना बिल्कुल नहीं जानते वो लोग भी इससे काइन मास्टर को चलाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको इस साइड में दिख रहा होगा जिस जितनी वीडियो हैं जो दोस्तों वो वीडियो हैं जिन पर मैंने काम किया है। तो जब आप इसको यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपकी हर वीडियो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप नए हो, आपको काइन मास्टर के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपके सामने ये तीन ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों 60.9 वाला, ये YouTube वीडियो के लिए होता है। और दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है 9.60 वाला, ये TikTok पर वीडियो के लिए होता है, यानी कि जिसमें मोबाइल को एकदम सीधा करके वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है उसका इतना खास यूज नहीं होता। तो जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली लोग जो होते हैं वो YouTube पर वीडियो बनाते हैं और उसी के लिए काइन मास्टर का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको YouTube वाले प्रोजेक्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि YouTube के लिए वीडियो कैसे एडिट की जाती है काइन मास्टर से। तो चलिए, मैं ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 16.9 वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपके जो फ़ोन है उस फ़ोन में जितनी भी गैलरी में जितने भी फोल्डर होंगे जिसमें वीडियो वगैरह होंगे, फ़ोटो वगैरह होंगे, वो यहाँ पर सब शो होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जो वीडियो आपने कैमरे के सामने रिकॉर्ड की थी, जिस वीडियो को यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो उस वीडियो को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो आपने वीडियो शूट की है वो वीडियो आपके किस फोल्डर में है। तो चलिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए कोई वीडियो उठाकर दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने ये वीडियो ले ली, आपको क्या करना है, ये आपको राइट का निशान दिख रहा है, आप इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला जो काम है दोस्तों वो आपको क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों, आपको ये वीडियो की लाइन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपकी वीडियो सिलेक्ट हो जाएगी तो आपको सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे।
जी ऑप्शन आपको दिखने लग जाए तो समझ लो आपकी वीडियो सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपको दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसको वॉल्यूम पर क्लिक करना है। वॉल्यूम कौन सा होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वॉल्यूम का ये निशान, ये वॉल्यूम का ये चिन्ह बना हुआ आ रहा है दोस्तों। आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को पूरा 200 तक कर देना है। दोस्तों आपको ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ऑडियो की क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है और सही भी होती है दोस्तों, फिर भी आपको इसे फुल पे कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालोगे तो जो भी इंसान आपकी वीडियो देखेगा उसको आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी सुनाई देगी। और दोस्तों हमारी वीडियो सबसे मेन पार्ट होता है ऑडियो, अगर वही अच्छी नहीं होगी तो हमारी वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट करके इसको फुल पे कर देना है, 200 पे कर देना है और इस पर यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को स्टार्ट में ले जाना है। अब दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, यानी कि अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए पहले तैयारी कर रहा हूँ, माइक वगैरह सही कर रहा हूँ। तो जी हमारी वीडियो का ख़राब पार्ट है, अब आपको इसे डिलीट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये देखना है सबसे पहले दोस्तों कि मैंने बोलना कहाँ से स्टार्ट किया। तो जैसा कि आप अपनी वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे तो आपको ये देखना है कि आपने बोलना कहाँ से स्टार्ट किया है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से बोलना शुरू किया है तो यानी कि इससे पहले का जो पार्ट है वो सारा पार्ट ख़राब है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको डिलीट करने के लिए अपनी वीडियो पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कैंची का निशान आ रहा है, इस कैंची के बॉक्स को आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 चैप्टर के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों इस पर आपको दिख रहा है कि जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इसमें जो लेफ़्ट साइड का जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में जो कैंची का जो निशान बना हुआ आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इस साइड का जो सारा पार्ट है सब डिलीट हो जाएगा, और इस पर क्लिक कर दोगे नीचे वाले पे तो इस साइड का पूरा पार्ट डिलीट हो जाएगा। और अगर आप बीच वाले पे क्लिक करोगे तो जिस जगह पे जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन दिख रही है आपको, इस रेड लाइन पर दोस्तों बीच में कट लग जाएगा, यानी कि ये वीडियो 2 पार्ट में हो जाएगी। तो हमें जो इस साइड का पार्ट डिलीट करना है तो हमें सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये हो गया। और दोस्तों इसका दूसरा तरीका डिलीट करने का बताता हूँ। अगर आप सबसे पहले आपको बताऊँ कि अगर आपको लगता है कि जो पार्ट आपने डिलीट कर दिया है वो आपको डिलीट नहीं करना चाहिए था तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो। रिटर्न करने के लिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो वाला जो ऑप्शन जो गोला दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है, वो पार्ट आपको वापस आ चुका है ये देखिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको दूसरा ऑप्शन क्या है डिलीट करने का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है, आपको क्या करना है इस बीच वाले पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों हमारी वीडियो 2 पार्ट में हो चुकी है, 1 जी हो गया 1 जी। अब आप यहाँ से इसे वीडियो पे क्लिक करके और डिलीट का बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करके दोस्तों इसे आप डिलीट कर सकते हो। ये देखिए हमारी वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया था। चलिए मैं आपको सुना कर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप वीडियो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो और वीडियो का जो ख़राब पार्ट होता है स्टार्टिंग का उसे कैसे डिलीट कर सकते हो, उसमें कैसे कट लगा सकते हो। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब वीडियो शूट करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी वीडियो में बीच बीच में कहीं हम बोलते बोलते अटक जाते हैं या उसमें कुछ थोड़ी बहुत कुछ सेकंड के लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि हम बोलने के लिए रुक जाते हैं, तो उस पार्ट को कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए आप मान के चलो कि मेरा इस जगह पर कोई पार्ट ख़राब है, यहाँ मैं बोलते बोलते रुक चुका हूँ, इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको इसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप मान के चलो आपकी ये वीडियो है और आप इस जगह पर कहीं रुक गए हो बोलते बोलते। तो आपको क्या करना है, जिस जगह पर आप रुक चुके हो उसी जगह पर आपको रेड लाइन को उसी वहीं पर रोकना है। वहाँ करने का दोस्तों आपको वीडियो पर क्लिक करना है, फिर से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, आपको कैंची पर क्लिक करना है। अब आपको इस तीसरे वाले पे जो बीच में कट लगा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है, आपको क्लिक हो चुका है दोस्तों। अब आपको इस वीडियो को नीचे क्लिक करना है काली जगह पे। अब आपको फिर से इस वीडियो को आगे करना है, जितना ही पार्ट आपको ख़राब हो बीच में, यहाँ आपने बोलना बंद कर दिया है तो आपको वहाँ तक इस रेड लाइन को ले जाना है। अब मान चलिए दोस्तों आपको इतना पार्ट ख़राब है तो आपको रेड लाइन लाने के बाद फिर से इस वीडियो पर क्लिक करना है, फिर से दोस्तों आपको इस कैंची पर क्लिक करना है और फिर से आपको
इस बीच वाले पे क्लिक करना है। आप चाहो तो बीच वाले पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर सकते हो। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे आप तो इस रेड लाइन के जो इस तरफ का जो पार्ट है दोस्तों वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपको ऐसा तो आप दोस्तों इस तरीके से बोल भी सकते हो। तो आपको क्या करना है, बीच वाले पे क्लिक करना है। जब बीच वाले पे क्लिक करोगे तो आप देखिए कि आपकी वीडियो के बीच में एक छोटा सा पार्ट है जो आपने सेलेक्ट किया था, जो आपको ख़राब पार्ट है जिसमें आपने कुछ नहीं बोला है। अब आपको उसे डिलीट करना है। कट तो आपने लगा दिया, तो डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है जो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो ख़राब पार्ट था दोस्तों वो डिलीट हो चुका है। दोस्तों आपको मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई पार्ट डिलीट कर दिया है और उस पार्ट में कुछ ऐसा पार्ट था दोस्तों जो आपको वीडियो में चाहिए था, तो आप उस डिलीट पार्ट को फिर से रिटर्न वापस ला सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपने आपको ये एरो का निशान दिख रहा होगा ये वाला, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, वो वापस आ जाएगा। देखिए दोस्तों आ चुका नीचे वापस। तो इतना आप सीख चुके हो दोस्तों कि कैसे वीडियो बीच में कट लगाते हैं और कैसे वीडियो सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए सबसे मेन चीज़ आपको मैं बताऊं कि जब भी आप वीडियो सेलेक्ट करो, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी वीडियो को जूम आउट या जूम इन करना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा मेरी वीडियो में ये दीवार आ रही है, मैं चाहता हूँ कुछ हिस्सा कम आए, तो दोस्तों ये कटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी वीडियो में जूम करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कटिंग करने के बाद जूम करोगे तो आपको अपने हर पार्ट में जूम करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को जूम कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ये देख रहा है दोस्तों आपको यहाँ मेरी दीवार वगैरह आ रही हैं, तो इसको जूम करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो पर क्लिक करना है। आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बराबर का जो निशान आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब आपको दो उंगली लानी है अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस पर, और दो उंगली लाने के बाद दोस्तों आपको इसे खींचना है। जितना ज़्यादा खींचोगे, जितना ज़्यादा आप जूम करना चाहते हो उतना खींच सकते हो। अब देखिए दोस्तों मेरा जो साइड का जो पार्ट था इस वीडियो को बैकग्राउंड था वो थोड़ा कम हो चुका है, तो इससे आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी वीडियो के पीछे क्या चीज़ थी। जब आप इसे जूम कर लो, आपका जो एंगल है सही हो जाए, फिट हो जाए, तो आप इस पर राइट पर क्लिक कर दो और बस आप देखिए आपकी पूरी वीडियो में यही जूम होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आपका ये जूम जो है सिर्फ एक ही पार्ट में होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक जी पार्ट जी है, एक जी है, तो इनमें ये जूम नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये अलग पार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी वीडियो में जूम करना है, तो जब आप वीडियो को सिलेक्ट करो कान मास्टर ओपन करते टाइम, तो सबसे पहले दोस्तों आपको वॉल्यूम को बढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम आपका यही है कि आपको अपनी वीडियो को जूम कर लेना है, जिससे आपको कटिंग करने के बाद अपने हर पार्ट में वीडियो को जूम ना करना पड़े। दोस्तों आप यहाँ तक सीख चुके होंगे कि वीडियो कैसे सेलेक्ट करते हैं और वीडियो में जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं, वीडियो को ख़राब पार्ट डिलीट कैसे करते हैं। इतना आप जान चुके हो दोस्तों। अब दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी वीडियो एक से ज़्यादा पार्ट में है, जैसा कि आपने अपनी वीडियो को दो या तीन पार्ट में शूट किया है, तो आप अपना और कोई पार्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए आपका एक पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब आपको दूसरा पार्ट लाना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, ये आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर से दोस्तों आपको अपना कोई दूसरा पार्ट ले लेना है, यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट रखा हुआ है जिस फोल्डर में आपका दूसरा पार्ट है, आपको फोल्डर ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए कोई भी एक पार्ट लेकर दिखा देता हूँ। तो मान चलिए दोस्तों ये मेरा दूसरा पार्ट है। अब आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर राइट पर क्लिक कर देना है और फिर से दोस्तों वही काम करना जो आपको मैंने पहले बताया था। आपको वीडियो पर क्लिक करना है और इसके वॉल्यूम पर क्लिक करना है, इसका वॉल्यूम फुल कर देना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी वीडियो के कितने ही पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आपका वीडियो एक पार्ट हो या आप दो हो या चार हो, जितने भी पार्ट हो आप एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो मीडिया में आके। तो दोस्तों आप इतना सीख चुके हो, अब आपको लगता है कि आपके इस वीडियो के बीच में कोई आपको तीसरा पार्ट डालना है, यानी कि इस वीडियो का इतना हिस्सा दोस्तों आपका अलग है और इतना हिस्सा लगा, लेकिन इसके बीच में कोई आपको कोई और पार्ट डालना है जो तीसरा पार्ट है, तो आप वो कैसे डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जिस जगह पे भी आपको कोई और पार्ट डालना है तो आपको उसी जगह पे रेड वाला रेड कलर का जो निशान आ रहा है दोस्तों, लाइन आ रही है, आपको वहाँ पे ले जानी है और कट पे क्लिक कर देना इस वाले पे। अब दोस्तों देखिए आपकी वीडियो में कट लग चुका है बीच में,
अब आपको इस जगह पर कोई तीसरा पार्ट डालना है, जो आपको कोई तीसरा पार्ट है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो रेड लाइन है इसी जगह पर रखनी है, प्लस जो आपको कट लगा हुआ है इसी जगह पर रखनी है। यहाँ रखने के बाद दोस्तों आपको फिर से मीडिया पर जाना है और फिर से दोस्तों आपको अपना वो पार्ट उठा लेना है जो पार्ट आप इसके बीच में लगाना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी पार्ट ले लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ज्वाला पार्ट दिखाता हूँ। तो जैसे आप किसी भी पार्ट पर क्लिक कर दोगे, जो पार्ट आप लगाना चाहते हो उस पर क्लिक कर दोगे, तो वो पार्ट आपके इस बीच वीडियो के बीच बीच में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपका आधा पार्ट इधर हो चुका है और आधा इधर हो चुका है, यानी कि जिस जगह पर भी आपको कोई वीडियो को तीसरा पार्ट लगाना है बीच में, तो आपको उस वीडियो पर कट करना है उसी जगह पर, और आपकी जो रेड लाइन होती है ये वाली, आपको उस कट के ऊपर ही रखना है उस रेड लाइन को, और फिर आपको मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपको पार्ट लेना है, उस पर क्लिक कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो पार्ट आपके इस वीडियो के बीच में आएगा, वो उसी जगह पर आएगा जिस जगह पर आपने कट लगाया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वीडियो के बीच में कोई और पार्ट लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को सिलेक्ट कैसे करते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपको दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, और वीडियो सिलेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों, वीडियो को कट कैसे करते हैं, वीडियो में अलग अलग पार्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, और दोस्तों वीडियो के बीच में से खराब पार्ट कैसे डिलीट करते हैं सिलेक्ट करके, इतना मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है अगर दोस्तों आपको अभी समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार या 4 बार देखो, बार बार आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आप अपनी वीडियो को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे उसमें कट लगा सकते हो, और दोस्तों कैसे उसे जूम कर सकते हो। और दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो सिलेक्ट करने के बाद क्या क्या काम करना है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अच्छे सीख चुके होंगे। इसके आगे का जो पार्ट है, आगे आपको इसमें बहुत कुछ जानना है उसका, इसके आगे का पार्ट दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ बता दूँगा आपको तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि काइन मास्टर का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों इतना अब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, इसके बाद में दोस्तों इसका आगे का जो प्रोसेस है, क्योंकि दोस्तों काइन मास्टर के बहुत सारे फीचर हैं जो आपको इस एक वीडियो में नहीं पता चल पाएंगे, तो इसलिए दोस्तों जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आप उसको बार बार देखकर ट्राई करो, आप इसको अच्छे से सीखो। इसका आगे का पार्ट दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप काइन मास्टर कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे आपको उसमें यूट्यूब वीडियो के लिए कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, और कैसे आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, कैसे आप उसमें कटिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जितना ही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आपको वो सब अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट था, इसके आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इस चैनल पर बने रहना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपके लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।